सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। भाई आपका मोबाइल हैंग कर रहा है या हीट कर रहा है, मतलब गर्म हो रहा है फ़ोन आप, और कई बार जो है आपका फ़ोन हैंग करता है, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, या कुछ भी आप उस पर जो है नॉर्मल टास्क भी कर रहे हैं तो आपका फ़ोन हैंग हो रहा है, या आपका फ़ोन भाई हीट हो रहा है, मतलब गर्म हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपने सारे काम करके देख लिए पर आपकी प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो देखिए आपको क्या करना है। आपको एक काम करना है, आपको जो है अपने फ़ोन को रीसेट करना है। इस वीडियो में यही बात करूँगा कि कैसे आप अपने किसी भी कंपनी के फ़ोन को रीसेट करते हैं, कर सकते हैं, हार्ड रीसेट मतलब फुल रीसेट। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की मेन सेटिंग में। मेन सेटिंग में जाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है, ये मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो आपको सेम स्टेप फॉलो करना है, अगर आपके पास किसी और कंपनी का मोबाइल है तो उसके लिए भी आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, सैमसंग मोबाइल की मेन सेटिंग में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा भाई जनरल मैनेजमेंट का, क्योंकि भाई कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, उनको ये पता ही नहीं होता है कि कैसे हम अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं, हार्ड रीसेट कैसे करें या फुल रीसेट कैसे करें, या उनको ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा सारा डाटा चला जाएगा, हमारे सारे फोटो वीडियो ऑडियो सब कुछ डिलीट हो जाएगी। तो वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा, कैसे आपको जो है अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट करना है या सेटिंग रीसेट करनी है जिससे आपका डाटा भी बचा रहे, वो आपको सेटिंग कैसे करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको आना है जनरल मैनेजमेंट, जैसे ही आप यहां पर आओगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा भाई रीसेट का, तो आपको रीसेट पर क्लिक कर देना है। रीसेट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर चार पांच ऑप्शन मिलते हैं, ये देखिए भाई। तो अगर आप चाहते हैं मेरे फोन की कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई है, मुझे अनजाने में पता नहीं था, मैंने उसको ऑन ऑफ कर दिया और उसके बाद जो है मेरा फोन हैंग हो रहा है या हीट हो रहा है, और उस सेटिंग को मैं वैसे ही करना चाहता हूं जैसे पहले थी पर आपको मिल नहीं रही है, वो सेटिंग कहां पर थी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है भाई रीसेट ऑल सेटिंग। तो आपको रीसेट ऑल सेटिंग कर दोगे तो आपके मोबाइल की सारी सेटिंग बिल्कुल न्यू हो जाएंगी, जैसे आपका फैक्ट्री में से मोबाइल निकल के आया था कंपनी में से, मतलब फैक्ट्री रीसेट आपकी सारी सेटिंग हो जाएंगी। और दूसरा ऑप्शन ये यहीं पर मिलता है भाई, देखें रीसेट मोबाइल नेटवर्क, मतलब आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, रेंज नहीं आ रही है, तो आपको रीसेट मोबाइल नेटवर्क कर देना है, तो आपके मोबाइल की जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तीसरी क्या है, रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सेटिंग। आपके फोन का कई बार जो है वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है, या आपका किसी को आप हॉटस्पॉट देते हैं तो उसका सामने वाले का हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं होता है, या आपके फोन का भाई ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई जो है ब्लूटूथ का आपका कोई ऑडियो डिवाइस है, कोई हेडफोन है, कोई ईयरबड्स है, कोई जो है लीड है, वो कनेक्ट नहीं हो रहे, तो आपको जो है यहाँ से ब्लूटूथ की जो है सेटिंग को भी रीसेट कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी सारी सेटिंग ऐसी हो जाएगी जैसे आपने नया फोन लिया था तब थी। तो यहीं पर दूसरी सेटिंग क्या मिलती है, ये देखिए रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में भी आपको कर देना है आपके फोन की सारी सेटिंग, मतलब जो है न्यू हो जाएगी एक्सेसिबिलिटी की, जहां पर आपको जो है आपके फोन की सेटिंग मिलती है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर क्या क्या मिलता है भाई, योर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग विल बी रीसेट टू देयर डिफॉल्ट सेटिंग। देखिए रिलेटेड सेटिंग सच एज कीबोर्ड फॉन्ट साइज एक्सेसिबिलिटी सेटिंग डाउनलोड एप्स, इनसे रिलेटेड जो है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग होती है, तो ये भी आप यहां से रीसेट कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपके प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, आपका फोन जो है हैंग हो रहा है, हीट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर देखिए फैक्ट्री डाटा रीसेट वाला ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद ये आपको यहां पर वार्न करेगा कि आपके यहां पर सारा डाटा चला जाएगा, जो है गूगल अकाउंट है, सिस्टम ऐप है, व्हाट्सएप है, या ईमेल आईडी है, जो भी आपकी यहां पर है वो आपकी सब कुछ डिलीट हो जाएगी। अगर तो आपको क्या करना है, पहले आपको अपने डाटा का बैकअप बना लेना है किसी कंप्यूटर में या किसी मोबाइल में, वहां से आपका पूरा डाटा आपको सेव कर लेना है, उसके बाद आप यहां पर रीसेट करेंगे तो आपका पैटर्न मांगेगा, आपको पैटर्न दे देना है, तो आपका फोन यहां से रीसेट हो जाएगा। तो ये तो हो गई भाई सैमसंग की सेटिंग। अगर आपके पास किसी और कंपनी का मोबाइल है, मैं आपको ये रीसेट करके भी दिखा देता पर इसमें मेरा मेन डाटा है, मैं इसको रीसेट नहीं करूंगा, आपको सिंपली यहां आकर रीसेट कर देना है और जो है उस पर ओके पर क्लिक कर देना है, पैटर्न दे देना है, तो आपका सारा फोन रीसेट हो जाएगा। अब आपको अगर आपके पास रेडमी का है, ओप्पो का है, किसी और कंपनी का मोबाइल है, तो आपको अबाउट फोन में चला जाना है, अपने फोन की मेन सेटिंग के अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद जैसे यहां पर आ गए, यहां पर अबाउट फोन आ गया, तो यहां पर आप सर्च करोगे, जैसे ही मेन सेटिंग में आकर यहां पर आप सर्च करोगे रीसेट, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा भाई रीसेट, कैसे सर्च करोगे रीसेट, तो देखिए यहां पर रीसेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए। तो ऐसे ही किसी भी फोन की किसी भी कंपनी के फोन में आप जो है मेन सेटिंग में आपके रीसेट सेट कर लेना है, तो वहां से रीसेट वाला ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप सेटिंग रीसेट कर सकते हो, ब्लूटूथ सेट रीसेट कर सकते हो, और आपके अपने फोन को जो है फुल रीसेट भी वहीं से आप कर सकते हो। तो यही सेटिंग थी भाई, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, सेटिंग अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।